नमस्ते दोस्तों, देखिए आज हम लोग आए हैं यहाँ पे नदिया के पार का शूटिंग करने के लिए और यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी नदी के किनारे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए नदी में नाव चल रही है, ये तमसा नदी है भगवानपुर में। आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य यहाँ का है। हम लोग पहले गए थे घूमने के लिए यहाँ पे। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। इधर नाव से पार हो रहे हैं लोग, नाव से पार हो रहे हैं। दिखाओ तो कुछ है तो नहीं ना। उधर मजा है, इधर क्या बोलूँ, इधर अच्छा रहेगा। अच्छा ज्यादा बड़ा होता इस पार आए हैं। अभी उस पार जाएंगे हम लोग, तो फिर वीडियो बनाएंगे आपको दिखाएंगे। और देखिए नदी अभी पानी बिल्कुल कम हो गया है, बड़ा हो रहा है। मजा नहीं आएगा। आधा घंटा एक घंटा का बनता है लोग का, मतलब ये होता है। देखिए हम लोग नाव में बैठे हैं, देखिए मछली भाग रही है। पार हम लोग चल रहे हैं, पार हो गए हैं। दोनों तरफ का ले लो, पूरा घुमाते हुए पूरा लो, सब का ले। देखिए हम लोग नदी पार कर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है नाव में। बंद मत करना, पूरा ले लेना। पापा यहाँ जाए ताकत हो गई। हंसी चढ़ बागड़ ऐसी ये लो बेटा। वीडियो बना था, वीडियो क्या वीडियो बना था। चढ़ाई कर रहे हैं, देखिए दिखा दो, करते रहो आप। बाबा को पकड़ के आई, बाबा को पकड़ लीजिए, कसके अपने गिरेगा बाबा को भी गिराइए। किधर का लो मौसा था। पानी भी एक छोटा सा शूट करना था, शूट हो चुका। और यहाँ से अगले लोकेशन पे चलते हैं। ये देखिए फाइनली हम लोग आए थे यहाँ पे कुछ घूमने के लिए। और इधर नदी में हम लोग कुछ एक वीडियो शूट किए हैं। छोटी ही नदी थी, पार करने में समय नहीं ज़्यादा लगा। और ये कुछ किनारे किनारे का नज़ारा है।
इधर अच्छा है, ये तमसा नदी है, काफ़ी लंबी है। ये देखिए नदी लंबी तो बहुत है, लेकिन इस समय थोड़ा पानी घटा हुआ है तो पार करने में कम समय लग रहा है। सूखी है बिल्कुल, बीच में पानी है नदी में, तो इस बगल से उस बगल जाने में समय नहीं लग रहा है। अभी वो नाव बड़ी है, नाव है वो बड़ी पीछे दिख नाव दिख रही है आप लोगों को। हाँ, उस पे हम लोग पार उससे पार किए थे, उस पार गए थे हम लोग, अभी आए हैं उधर से। पूरा इधर का पूरा नज़ारा इधर कितना अच्छा है, ठंडा मौसम है, अच्छा नज़ारा इधर का है सब कुछ। देखिए नाव भी दिख रही है आपको, देखिए इधर नाव भी दिख रही है, इधर देखिए मंदिर के फोटो भी देखिए। नीचे जा रहे हैं, काफ़ी नीचे हैं और आने जाने में काफ़ी थकान हो गई है हम लोगों को। यहाँ तक का बना लीजिए ना, अब क्या जाएंगे नीचे। देखिए देखिए वो सांप आ रहा है, देखिए जो दिख रहा था पानी में वो देखिए चल रहा है। जूम कर दिखेगा नहीं, जूम कर अंदर चला गया, नहीं चल रहा है, वही चल रहा है। देखिए ये नाव तो इधर है, मछली भी दिख रही है सब, मछली मार भी रहे हैं लोग। देखिए जहाँ तक हम लोग सूखा सूखा आ रहे हैं, देखिए उधर बहुत नीचे है। देख रहा हूँ, बारिश के समय में ना पूरा भर जाता है ये सब, पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक लगा रहता है, काफी भरी रहती है नदी। धूप भी है काफी बहुत ज्यादा। घुमा घुमा के लेते रहिए, अपने तरफ भी लेते रहिए। हाँ ये नदी को इसके पास भी ले लो, नाव के पास भी खड़े होके ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। देखिए नदी नाव भी बहुत बड़ी है, देख लीजिए। बैठे थे अभी हम लोग, आर पार हो गए हैं, थोड़ा सा वीडियो भी शूट हुई है इसके, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो जब डालेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा सब कुछ। देखिए मछली मारने वाले लोग काफ़ी दूर चले गए हैं, बत्तख है। हाँ बत्तख है, तो इससे दूर तो नहीं जाते होंगे, एरिया में ही रहते होंगे बत्तख। ये बत्तख नहीं तो पूरा दूर तक जा सकते, जब उन लोग का पेट भर जाएगा तो खुद वापस चले जाएंगे, जिसके घर की होंगे उनके घर पे चले जाएंगे। थोड़ा ठंडा भी लेती हैं लोग, इसी में इन लोग का भोजन भी हो जाता है, मछली भी पकड़ लेती हैं। नहा के इधर आई हैं सब, चलिए अभी देखिए दोस्तों और भी सीन हम डालेंगे इसमें, दिखाएंगे। अभी चलेंगे कुटिया पे, वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे, चलते रहिए। चलते ये इसका रास्ता है, जब पानी भर जाता है तो ये वाला। लेकिन अब इसमें नहान वहान लोग, पहले ये था इधर से लोग आर पार जाते थे उस पार, अब इधर से उधर की तरफ चली गई है नाव, वहाँ से पार होती है, पहले यहाँ से पार होते थे, है ना। ये कुछ लोग मलाह लोग हैं यहाँ पे, ये सीढ़ी बनाई गई है ऊपर जाने के लिए, और ये जो बाबा बैठे हैं यही चालक हैं इस नाव के। बारिश में भर जाती थी यहाँ तक पानी होता है, मतलब जब यहाँ तक था पानी तो हम लोग आए थे, वहाँ पे नाव लगती थी तो यहाँ पे आए थे हम लोग। लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो देखिए पूरा इतना ऊंचा रोड है, उसके बगल भी गांव तक पहुँच जाता है पानी। देखिए उधर कुटिया है, लोग आराम कर रहे हैं, उधर घुमा लीजिए ना उधर।
इधर लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराम करते हैं। इस नाव को वहाँ बनाई गई है, देखिए अभी बनाया जा रहा है इस नाव को। लोग आए हैं इसको बनाने वाले लोग, अभी नहीं बन रही है, देखिए कितनी अच्छी बन रही है। ये है इसका जो कील उल होता है पुराना, उसकी अंगूठी बना के लोग बेचते हैं, कहते हैं ये नाव की कांटा है, इसको पहनने से जो भी लोग को कहते हैं, लोग जो भूत प्रेत छूते हैं वो नहीं छूएंगे नाव के कांटा से। ये कांटा लगा हुआ है, उसमें एक पड़ा हुआ है, देखिए इसी की अंगूठी बना के बेची जाती है, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए कुछ लोग कहते हैं ये नाव का कांटा का बना हुआ है, तो इसको लोग बहुत चाव से खरीदते हैं और पहनते हैं। देखिए रिपेयरिंग हो रही है इसकी, पुरानी हो चुकी थी तो नया ये सब लगाया जा रहा है बैलेंस के लिए। इधर पूरा घुमा लीजिए, इधर ऐसे ले लीजिए पूरे जंगल का ना ऐसे। ये भी लकड़ी बहुत मजबूत होती होगी। मजबूत लकड़ी इसमें लगती है, ऐसी वैसी थोड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमेशा ये पानी में ही रहती है, रात दिन पानी में ही। फिर इसके ऊपर क्या लगाया था? काला 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 पेंट वेंट होगा कि वो डांबर है जो भी है। इधर बागीचा है, रीना देखिए ये हम लोग आए हैं मंदिर में, ये नरसिंह भगवान का स्थान है, यहाँ पे हर देवी देवता का मूर्ति रखी गई है, इसमें माता रानी का है। इधर दिखा दो, ये वही वाला है ना। हाँ, ये माता रानी की मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। इधर इधर ले जाओ, बहुत बड़ी मंदिर है यहाँ। इसमें भोलेनाथ जी का है, शिवलिंग यहाँ पे है। ले लो अंदर का, ऐसे दिखा दो पूरा अंदर तक। हाँ ऐसे दिखाते रहो। यहाँ पे सरस्वती माता का है और भोलेनाथ जी का है। अंदर से ऐसे लोग ना, ऐसे कैमरा लगा दोगे तो पता नहीं चलेगा। अभी कब खुलता है बाबू? ये सुबह से 10 बजे, 10 बजे के बाद बंद रहता है, फिर शाम को। देखिए माता रानी का है, छोटी छोटी इधर मूर्तियाँ रखी गई हैं। और देख मोर, मोर, अरे मोर का लो बाबू, मोर का लो। इधर मोर भी है, इधर मोर भी। देखिए पानी अभी सूख गया है, मोर मोर भी दोनों रखी तो। देखो उधर मोर है, इधर मोर भी, पूरा लो का पानी सूख गया है। जब छठ आता है और मेला आता है तो पूरा पानी भर दिया जाता है, इसमें लोग व्रत व्रत रहते हैं। पूरा जूम करके लेना उसका। देखिए बताते हैं लोग कि यहाँ पे पेड़ पे भी उड़ते हैं, पेड़ पे रहते हैं, तो बहुत डरे रहते हैं सब। अभी थोड़ी देर के बाद ना रोने की आवाज़ आएगी उनसे, बोलते हैं सब, ऐसा लगता है ना कि बच्चा कोई बोल रहा है। मोर कौन सा मोर है? तीन तीन दिख रहे हैं सर, चार पाँच, अरे बहुत। इधर तो कोई आ रहा है नहीं, मतलब कि यहाँ पे देखिए। चलो चलो बाबू ले लो, जूम करके लो, देखो कितने सारे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, शाम के समय और सुबह के समय यहाँ पे बहुत ही सुहावना लगता है। बहुत चूल्हा बनाया जाता है बड़ा वाला। हाँ यहाँ पे भंडारा वंडारा होता है ना, इसमें मेला। हाँ यहाँ पे भंडारा होता है, ये चूल्हा देखो इधर से जलती होगी और इधर से लकड़ी, दोनों तरफ से रखता है, दो उसमें रख जाता है भगोने कढ़ाई, बड़ा बड़ा हंडा रख दिया जाता है। देखिए वहाँ पे रखा हुआ है कढ़ाई, जब ज़्यादा महात्मा लोग सभी लोग आ जाते हैं तो इसी पे खाना बनता है। काफी उसमें पूरा हरा भरा रहता है। हाँ बरसात के समय बहुत ही हरा भरा रहता है। देखिए मोर यहाँ पे बैठा हुआ, कितना बड़ा है। इधर चलो आंटी, यहाँ से नीचे से देखो, अभी दो दिन के तीन पीछे गए तो बांस के सामने है, यहाँ से मैं उनको भागने लगेगा लोग। अभी उसका उधर नहीं, भाग जाएंगे लोग ना।
करना चार्टर में और करीब आओ, आवाज आती रहे। हम लोग कैसे उधर घुमा लो, उधर मोड़ के तरफ देखो जा रहा है, देखो दो दीजिए। उधर मत जाइए ना, मोर आप तो देखेंगे तो भागते रहेंगे सर। इधर ये सब मंदिर की ही जगह है, सारे मंदिर के लिए ही जगह है। ये बांस बिल्कुल हरा हरा रहता है, कुटिया इसको काट के इसका बनाई जाएगी। तो करिए हाथ मेरा, बनाओ ये बनाते वो बनाते हैं। ये देखिए ये बांस है, बम्बू बोला जाता है इसको, बम्बू जिसका देखिए कुटिया बनाई जाती है, जीना बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, और वो क्या बोलते हैं डलिया बनाई जाती है, और हाँ और देखिए टिकटी भी बनाई जाती है। जब हम लोग जब भगवान को प्यारे हो जाएंगे तो इसी का टिकटी भी बनता है, इसमें हम लोग लेट करके जाते हैं शमशान घाट। तो देखिए हम लोग नहीं, मतलब सबके लिए है जो चले गए, उनके लिए जो जाने वाले हैं उनके लिए जाएंगे। झोपड़ी और कुटिया में इसका बहुत उपयोग है, हर एक काम के लिए इसको, और खाने वाली चीज में जैसे हम लोग को आइसक्रीम खाते हैं उसकी डंडी लगाई जाती है, सारे चीज इससे जो कुटिया बनती है, जो झोपड़ी बनती है उसके अंदर बहुत आराम होता है, बहुत ठंडक रहती है गर्मियों के दिन में, गर्मी के दिन में बहुत आनंददायक होता है। बचपन में तो हर एक चीज बनता है, समझ बचपन में हम लोग इस पे झूला बैठ के ऐसे 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 झूलते थे, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घूमते थे, घूमते थे ऐसे पेड़ पे उतर के खेल खेल, कागज भी बनाया जाता है, बांस का भी तो कागज बनता है, लखनी वगैरह खेल खेल के थे। बरसात के समय आएंगे ना देखना कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल हरा हरा सा एकदम। त्रिफल अरे एक उधर मोड़ दिए तो कवर करना वो तो दिख नहीं रहा, वो इधर है, इधर से दिख रहा है, बहुत सारे मोर हैं इधर। वो मोर है, नहीं 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 उसका भी पंख बहुत बड़ा है, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा उधर चले, उधर है सब इधर जंगल टाइप से, बहुत मोर हाँ, उन लोगों को छुपने के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, जहाँ पे घना चीज रहता है पेड़ पौधा वहाँ पे वो लोग अपना वास करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आगे चलते वहाँ पे कहाँ रहेंगे। इन लोग को खाने के लिए, रहने के लिए, आराम करने के लिए जगह चाहिए, जहाँ पे वो लोग आराम से रह सके, कोई डिस्टर्ब ना करे उन लोग को। सबका ले लो, इन लोग को घूमने आए हैं सभी लोग का घुमा के लिए, कुटिया के आगे भी चल सकते हैं। चलो चलो इधर चलो, अरे इधर से चलो ना, नहीं इधर से देखो ना, इधर है भी नहीं कोई रास्ता, रास्ता सही नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए फूल लगे हैं, फूल लगे हैं, इधर प्रसाद चढ़ाए हैं जो लोग, तो प्रसाद चढ़ाए गए हैं, इधर पूरा ये भोले जी कितना पसंद है, शिवरात्रि पर, शिवरात्रि पर ना सब लोग धान में इसको पीसते हैं लोग, अरे इसकी बीज है देखो ये, छोड़ दीजिए सब ये फल लगे पड़े हैं सारे बीज रहे बता दीजिए। मुर्गे छाप वाला फूल, हाँ मुर्गा वाला फूल बोलते हैं, ये छोटा वाला है तो पूरा इतना चौड़ा फोटो भी ले लो, ये ऐसा फोटो लो बाबू कि मतलब मंदिर का भी आ जाए और हम लोग का भी आ जाए, वहीं से लो, यहीं पे खड़ा दीजिए ना, बंद कर, दर्शन हो चुका, दर्शन हो चुका है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुटी भी है, और यहाँ पे जो भी साधु महात्मा है लोग यहाँ पे रहते भी हैं, विश्राम भी करते हैं, खाना पीना रहना यही है। देखिए और देखिए जो लोग समाधि ले चुके हैं उन लोग की समाधि भी बनाई गई है इधर, हाँ जो पुराने महात्मा लोग हैं उनकी समाधि देख लीजिए आप लोग, सात लोग
हाँ, सात लोगों का वो बनाया गया है। इधर से घुमा के ले लो, सब इधर से ले लो। लेके आइए उधर गाड़ी। हाँ बंद कर दो, अब लेके आओ गाड़ी। उधर भी समाधि बनाई गई है। हाँ बाबू इधर लेते रहो, आ जाओ इधर घुमाते रहो, सब लेते रहो। चलो इधर वहाँ पत्ता गोभी का लेना होगा। ये सब खेती की ही जमीन है, खेती वेती की जाती है, और जो बाबा लोग हैं उनको खाने पीने का यहाँ सब हो जाता है। सब कुछ चलती रहो, लेती है इधर करो मेरे तरफ, चलती रहो सब वो जमीन, सब कुटी का ही जमीन है। महात्मा लोग ही सारे लोग फसल उगाते हैं और उन लोग को खाने के लिए होता है। आम बगीचा रोड उधर तो जो बम्बू अम्बू का पेड़ देखे हैं आप लोग, सब उन्हीं लोग का है। देखिए इसमें कितने अच्छे फल भी लगे, हाँ लग रहे हैं, छोटे छोटे फल भी लग रहे हैं आम का, सब उन्हीं लोग का है। कहीं जाने का वो नहीं रहता है उन लोग को, मांगने खाने की नहीं जरूरत पड़ती है उन लोग को, फिर अपना उगा लेते हैं, रहते हैं काफ़ी जगह हम लोगों को। देखिए इन लोग का पत्ता गोभी हम आपको दिखा रहे हैं, कितना सारा है, कितना अच्छा है, बिल्कुल वही है। तुम पीछे रहो, उसको आगे जाने दो, तुम पीछे रहो, उसको आगे जाने दो। मैं पीछे रहूँगी, आगे रहूँगी ना, मैं इधर है सब, तुम ये रुको ना। देखो इधर दिखाओ, इधर देखिए पत्ता गोभी, बस पत्ता गोभी है, देखिए कितना अच्छा, बस पत्ती नहीं बस सारे फल लगे पड़े हैं पत्ता गोभी के। पूरा दिखाओ बाबू, पूरा देखिए, सारा देखिए कितना अच्छा है पत्ता गोभी, पूरा ले लो वहाँ तक, लो देखो कहाँ तक है। इधर पत्ता गोभी है, उधर फूल गोभी लगाई गई है। उधर अंदर जाना पड़ेगा, जो कि अभी बहुत काफ़ी धूप है तो हम जा नहीं सकते हैं। उधर का लो नज़दीक से, लो जूम करके थोड़ा, ये लो। जाओ मत बोलेंगे लोग। अब हम लोग चल रहे हैं फाइनली दोस्तों का।